गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड ऑल माय स्टूडेंट। जो स्टूडेंट आईटीआई करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक भी करते हैं, तो पॉलिटेक्निक वालों को भी कभी कभी वेल्डिंग के बारे में पढ़ना पड़ जाता है। और जो वेल्डेड ट्रेड से हैं उनके लिए तो वेल्डिंग पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है आईटीआई में। और दूसरा, जो स्टूडेंट या जो भी हमारे दोस्त फिटर से भी अगर आईटीआई करते हैं तो उनको भी वेल्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो वेल्डिंग होती क्या है आप सभी लोग जानते हो, तो हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। दूसरा, वेल्डिंग करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की कि जो रेलवे में हमारे कर्मचारी होते हैं, जो ट्रेनिंग में होते हैं, तो उनका ट्रेनिंग एग्जाम होता है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन या शब्द संक्षेप, जो फुल फॉर्म जिनको हम कहते हैं, वो पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसको हम LDCE एग्जाम या GDCE एग्जाम, दो तरीके के एग्जाम होते हैं, तो उनमें हमारे वो फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। या कोई इंटरव्यू जब भी होता है रेलवे की जॉब में, तो वहाँ पर भी वो फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो वो हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज बात करेंगे कि वेल्डिंग क्या है और साथ ही साथ वेल्डिंग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अब हम लोग वेल्डिंग से संबंधित और रेलवे से संबंधित बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, तो अब न देर करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेल्डिंग क्या है, व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स आर अलाउ जो होती हैं मिश्र धातुएं होती हैं। तो हमने कहा कि वेल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल्स आर अलाउड बाई यूजिंग टेम्परेचर एंड विद प्रेशर और विदाउट प्रेशर। देखो, प्रेशर वेल्डिंग में प्रेशर भी यूज किया जाता है और कभी कभी प्रेशर यूज नहीं भी किया जाता है। और ये चीज़ हमको और ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पर हमको एक फिलर मेटल भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। और कुछ वेल्डिंग ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वही हमारा फिलर मेटल का काम करता है। फिलर मेटल से मतलब ये होता है कि जो हमें, जैसे कि कोई गेफ है, दो हमारे जॉ हैं, दो प्लेटें हैं, उनके बीच में थोड़ा स्पेस रखा जाता है। उस स्पेस को भरने के लिए हमको अलग से धातु की जरूरत या मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो हम अलग से मेटल यूज कर रहे हैं, वायर यूज कर रहे हैं, वो हमारा क्या रहता है, उसी को हम कहते हैं फिलर मेटल, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे वेल्डिंग के बारे में लिखा भी हुआ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। देखिए, दो समान या असमान धातु को, धातु मतलब मेटल को, दाब या बिना दाब के फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर बोले तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर हमारी मेटल पिघलना चालू कर दे, उसको हम कहते हैं फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर तक पिघलाकर जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं, प्रतिक्रिया या क्रिया को हम वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग हमने बताया कि एक हमारी प्रोसेस है इन विच टू मेटल्स और नॉन मेटल भी कह सकते हैं, नहीं नॉन मेटल तो नहीं कहेंगे, नॉन मेटल नहीं जोड़ते हैं, एक तो मेटल होगी या फिर अलाव होगी, अलाव मतलब मिश्र धातु। तो उनको, वो दोनों समान हो सकती हैं, असमान भी हो सकती हैं, उनको हम या फ्यूजन टेम्परेचर तक पिघला देंगे और जरूरत होगी तो हम प्रेशर यूज कर लेंगे, अदरवाइज विदाउट प्रेशर वो मेटल हमारे आपस में जुड़ जाते हैं, जरूरत होगी तो हम फिलर मेटल भी यूज करते हैं। तो ये बात रही हमारी ये वेल्डिंग की, कि वेल्डिंग क्या है, ठीक है। दो मेटल को सिंपली हम कहेंगे, दो मेटल को जोड़ने की एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को फ्यूजन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, उसको पिघलाते हैं, ठीक है। प्रेशर भी यूज कर लेते हैं, कभी कभी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे हम लोग वेल्डिंग के प्रकार देखेंगे, तब देखेंगे कि बताएंगे किसमें हमें प्रेशर जरूरत पड़ता है।
में प्रेशर नहीं जरूरत पड़ता। जो हमारी आर्क वेल्डिंग होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसमें किसी भी प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ हमारी वेल्डिंग है आगे हम देखेंगे, स्टड वेल्डिंग है, स्पॉट वेल्डिंग है और हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग है, प्रक्षेप वेल्डिंग बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसी वेल्डिंग जो होती है इनमें हमें प्रेशर, सीम वेल्डिंग होती है, तो बहुत ऐसी वेल्डिंग है जिसमें हमें प्रेशर देना होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग सारी क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब हमने कहा था कि हम लोग बात करेंगे कि वेल्डिंग करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वेल्डर को वेल्डिंग कार्य करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए नंबर वन है वेल्डर जहां वेल्डिंग करने जा रहा है वह मेटल कौन सा है, जैसे माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील और हमारा कास्ट स्टील, सिलिकॉन मैंगनीज स्टील। तो हमें ये सारी चीज पता होनी चाहिए कि आखिर हम जिस मेटल पर वेल्ड करने जा रहे हैं, वेल्डिंग करने जा रहे हैं, वो मेटल है कौन सा, एमएस है, एसएस है, कास्ट स्टील है या हमारा सिलिकॉन मैंगनीज स्टील है। ये जानकारी हमको होनी चाहिए, ये जानकारी होगी तभी हम लोग क्या करेंगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड का यूज कर पाएंगे, है ना। अगर हमारी एमएस की प्लेटें हैं या मेटल है, एमएस की मतलब माइल्ड स्टील की, एमएस का मतलब क्या, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील ये मतलब होता है एमएस का। ठीक है, एसएस स्टेनलेस स्टील। तो अगर एमएस की हमारी मेटल है, एमएस मेटल है, तो हम लोग एमएस के हिसाब से अपना जो इलेक्ट्रोड है वो यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको अगर ये नहीं पता कि एमएस के लिए कौन कौन से इलेक्ट्रोड है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली तो जानकारी ये हमें मतलब बात ध्यान रखनी है। दूसरा है जहां वेल्डिंग करने जा रहे हैं उस मेटल की मोटाई कितनी है। अब भाई हमें मोटाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मोटाई का क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको जो करंट है वो एक तो हमारी इलेक्ट्रोड का जो डाया होता है उसके हिसाब से और दूसरा उसकी थिकनेस के हिसाब से हमको करंट डिसाइड करनी पड़ती है। क्योंकि अगर पतली हमारी मेटल है, चादर है, सीट है और हमने करंट ज्यादा ले लिया तो वो कट जाएगी, है ना, समझ रहे आप, तो हमें उसकी मोटाई भी ध्यान रखनी है। नंबर तीन पे आता है मेटल की मोटाई, जैसे 3.15 mm, 4 mm, 5 mm आदि, ऐसे मेटल की मोटाई हो सकती है और यही मोटाई हमारी इलेक्ट्रोड की होती है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है मेटल की मोटाई के साइज से इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन किया जाता है। देखो भाई, हमारी जो मेटल का साइज है उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रोड का भी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, हमको मान लो कि कहीं पे हल्का से टैग लगाने हैं तो हम 3.15 वाली ले लेंगे पतली सी। ठीक है, और कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पे हमको जो है मेटल में गेप ज़्यादा है, मोटाई भी ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर मोटी इलेक्ट्रोड यूज कर लेंगे, 4 mm, 4 mm या 5 mm। ठीक है, बस मेरे हाँ, तो फोन नंबर पे यही लिखा है कि मेटल की मोटाई के साइज से इलेक्ट्रोड का सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, 4 mm मोटाई की मेटल के लिए लगभग इसी मोटाई के आसपास जो हमारा डाया होता है इलेक्ट्रोड का वो हमें लेना पड़ता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में यही है कि आप जो है जिस हिसाब से मेटल की मोटाई है उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड का डाया ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पर हमारा 4 mm के इलेक्ट्रोड के लिए कितने करंट की आवश्यकता होती है, वो होती है हमारी 140 से लेकर के 180 के बीच में हम ले लेंगे। ठीक है, हमें अपने हिसाब से जितने भी हमको ठीक लगेगा वो हम ले लेंगे, लेकिन वो रेंज लगभग इसी के बीच में रहती है। ठीक है, और अगर मेटल हमारा पतला है तो हमें हो सकता है कि 140 से भी कम पे चलानी पड़े। ठीक है, चलिए सिक्स नंबर पे आता है करंट की रेंज वेल्डिंग की पोजीशन के हिसाब से रखी जाती है। करंट की रेंज वेल्डिंग की पोजीशन के हिसाब से रखी जाती है।
हाँ बिल्कुल, ये हम नहीं कहेंगे कि पोजीशन के हिसाब से ही करंट की रेंज रखी जाती है, वो तो करंट की रेंज हम बता चुके हैं कि डाया के हिसाब से, मेटल की मोटाई के हिसाब से, और हमें ये भी देखना होता है कि जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। हम फ्लैट पोजीशन पे कर रहे हैं, ओरिएंटल पे कर रहे हैं, या फिर हम वर्टिकल कर रहे हैं, या ओवरहेड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हमें करंट रखनी होती है। ओवरहेड में हम जनरली कम करंट रखेंगे, वर्टिकल में भी थोड़ी सी कम रखते हैं, और जो हमारी फ्लैट रहेगी या डाउन हैंड जिसको हम कहेंगे, उसमें हम लोग करंट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, सेवेंथ पॉइंट हमारा है, सबसे अधिक करंट डाउन हैंड एवं उससे कम करंट ओवर हैंड पोजिशन में ली जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम लोग डाउन हैंड में ले लेते हैं, और मोस्टली हमारे जो काम होते हैं वो हम लोग ज्यादातर डाउन हैंड में करते हैं। सेवेंथ पॉइंट हमने समझ लिया है। एट पॉइंट हमारे पास है, उपरोक्त आधार पर कार्य करने से वेल्डिंग में आने वाले दोष को कम कर सकते हैं। और इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो वेल्डिंग में हमारे दोष आ जाते हैं, उन दोषों को हम मिनिमाइज कर सकेंगे, वो दोष हमारे कम हो जाएंगे अगर हम ये सब चीजें अपने दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट की, कि वेल्डिंग में कौन कौन से दोष आ जाते हैं उनकी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।